हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्लच के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है वो फ्रिक्शन प्लेट, यानी कि जिसको हम क्लच प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो आउटर सरफेस पे, ये जो थिकनेस पे, तो वो जो है इसको हम फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल कहते हैं। वो जो है वो फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है, वो ज़्यादातर एस्बेस्टोस से बना हुआ होता है। अब इसकी जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो उसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। उसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। जब हम इससे आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको जो स्प्रिंग्स दिख रही है वो जो है वो टॉर्सन स्प्रिंग है। टॉर्सन स्प्रिंग क्या करते हैं, तो क्लच का मेन काम क्या है, तो एंगेज और डिसएंगेज, यानी कि एक चीज है कि जब गाड़ी हम चलाते हैं उस दौरान स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, बिगिन करने के लिए, तो उस दौरान ये जो क्लच होता है वो फ्लाईव्हील के साथ क्या होता रहता है, कनेक्ट डिसकनेक्ट होता रहता है। तो ये जो कनेक्ट डिसकनेक्ट होता है, इसके लिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, वियर हो रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो है एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए कि ये यहाँ से ट्विस्ट ना हो जाए, जिसके लिए यहाँ पे टॉर्सन स्प्रिंग्स रखी हुई है। अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो स्प्लाइंस दिख रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है, तो वो जो अंदर की तरफ आपको जो स्प्लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, इसको इनर स्प्लाइन कहते हैं। वो क्लच के साथ, यानी कि क्लच स्प्लाइन जो होता है उसके साथ ये कनेक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे हम इसके आगे देखें तो ये जो है ये प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट यहां पे क्या है कि ये जो होता है ये पोर्शन, यहां से थ्रू आउट बेयरिंग लगती है। अब ये जो थ्रू आउट बेयरिंग है वो क्या करते हैं, इसको पुशअप करते हैं। जिस तरीके से आप जैसे क्लच लीवर को दबाते हो उस तरीके से ये प्रेशर प्लेट जो होती है ये यहां से अंदर की तरफ जाती है, वैसे ही वो क्लच शाफ्ट क्या करता है, अंदर की तरफ जाके ये इस तरीके से लगता है। ये क्लच जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से लगता है और इसके आगे क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है। तो जैसे यहां से फोर्स अप्लाई होता है तो वो जो रिलीज बेयरिंग है, यानी कि थ्रू आउट बेयरिंग है, वो वहां से क्लच शाफ्ट को खींच के क्लच को क्या कर देता है, पीछे की तरफ खींच लेता है। क्लच को क्या करता है, पीछे की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लाईव्हील से इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, यानी कि डिसएंगेज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इंजन से ट्रांसमिशन क्या हो गया है, फ्री हो गया है। अब यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि ये जो है फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है वो ज्यादातर एस्बेस्टोस से बनाई जाती है, और क्लच जो है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, तो क्लच का मेन प्रिंसिपल है फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं दो फ्रिक्शन प्लेट दिखाता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन प्लेट जो होता है उसके ऊपर वियर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप जो फ्रिक्शन प्लेट देख रहे हो, इस ये जो है इसके ऊपर की जो फ्रिक्शन मटेरियल है, फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल, वो पूरा का पूरा वियर हो चुका है। जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा वियर हो चुका है, जबकि यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मटेरियल है, जिसकी वजह से इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये अभी वर्किंग में रह सकता है कि नहीं रख सकता। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लाईव्हील वहां तक तो इंजन का पार्ट है, लेकिन उसके बाद क्या लगता है कि क्लच, यानी क्लच प्लेट, उसके पीछे प्रेशर प्लेट, यानी कि जब आप क्लच लीवर दबाते हो उसके साथ ही वो थ्रू आउट बेयरिंग क्या करती है, तो कि प्रेशर प्लेट को अंदर की तरफ दबाती है। जैसे ही प्रेशर प्लेट अंदर की तरफ दबती है कि वहां से रिलीज बेयरिंग के जरिए, यानी कि रिलीज लीवर के जरिए, वो पूरा जो फ्रिक्शन प्लेट है वो कहाँ आ जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी, और फ्लाईव्हील से क्लच डिसएंगेज हो जाएगा और इंजन से ट्रांसमिशन का जो भी कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। थैंक यू। अब ये जो क्लच है ये सिंगल प्लेट क्लच है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब जो दूसरा जो क्लच होता है जिसको हम मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे समझेंगे। अब यहाँ पे हम और एक चीज समझते हैं कि ये जो स्प्लाइंस है, जिस तरीके से ये जो क्लच था ये सिंगल प्लेट क्लच था, ठीक है, और यहाँ पे जो एक तरीके से डायफ्राम यूज होता है, कॉन क्लच यूज होता है, दूसरे दूसरे बहुत सारे क्लचेस यूज होते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे ये डायफ्राम क्लच जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम है, यहां से जिस तरीके से ये डायफ्राम जैसे ही पुश होता है कि ये जो क्लच है, यानी कि फ्रिक्शन प्लेट जो है वो बाहर की तरफ, यानी कि ये डायफ्राम अंदर की तरफ जाता है, तो क्लच अपोजिट डायरेक्शन, यानी उसकी उल्टी डायरेक्शन में आता है, और फ्लाईव्हील से वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। थैंक यू।